देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और रेप की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जाहिर किया। आज हम इस बात का दुख व्यक्त करने आए यहाँ पर, तो जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बड़ा दुख है कि नादान बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उनके मंत्री और विधायक बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या आज पूरे देश में हाहाकार मची है। कुछ चीज़ें जो पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में आ जाती हैं, आज स्थिति यह है कि कई जगह के बलात्कार और ये सामने आते ही नहीं। जो बलात्कार की घटनाएं गुजरात, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन बलात्कारियों का जाल फैलता जा रहा है और बलात्कारियों को सरकार किसी प्रकार की कोई सजा तय नहीं कर रही है। तो हमने आज ज्ञापन सर्वधर्म संघ के माध्यम से और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक दुख व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा है और ज्ञापन के माध्यम से उनसे मांग की गई है कि जो घटनाएँ घट रही हैं, बलात्कार का मामला है, हम भी ये चाहते हैं कि बलात्कार पर एक कानून बनना चाहिए। दुबई के अंदर उनने बलात्कार किया, एक घंटे बाद उसको गोली मार के वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसी कड़ा कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं होगा। कांग्रेस नेता मंजूर बेग ने देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं कठुआ, उन्नाव, सूरत और समसार में हुई बलात्कार जैसी घटनाओं पर दुख जताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेप की घटनाएं गंभीर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से इसके खिलाफ कड़ा कानून लाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।